हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर सरकार के 3 साल पूरे होने, पत्रिका विमोचन। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित भगवान महावीर टाउन हॉल में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन व विभिन्न कार्यक्रमों का शिलान्यास व लोकार्पण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें बाड़मेर जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम बिशोई, वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन कर फीता काट कर उद्घाटन किया। जिला स्तरीय प्रदर्शनी में पिछले 3 सालों में बाड़मेर जिले में हुए विकास कार्य के विभिन्न विभागों द्वारा फोटो प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका मंत्रियों सहित जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने अवलोकन किया। इस दौरान सूचना एवं प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की जिला वेबसाइट स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में प्राइमरी कक्षा गुड़ा मलानी में 12 लाख की लागत से गोदाम निर्माण, 25 साल की लागत से क्रय विक्रय समिति गोदाम निर्माण के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और बाड़मेर जिला दर्शन पुस्तिका व बाड़मेर जिला पर्यावरण प्लान पुस्तिका का विमोचन किया गया। वहीं बाड़मेर जिले में जलदाय विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। इस दौरान मंत्री हेमाराम चौधरी व सुखराम बिशोई, बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत 2 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भगवान महावीर टाउन हॉल में आयोजित हुए जिला स्तरीय समारोह में जोधपुर संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा, बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु, पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष फतेह खान सहित प्रधान व अन्य जनप्रतिनिधियों के सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग व विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। हर क्षेत्र में पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में हर ब्लॉक स्तर पर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली गई। स्कूलों को माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया। बहुत ही अच्छा रहा। और बाड़मेर जिले में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं रही और जो विकास कार्य पूरे हो गए उनका लोकार्पण कर दिया और जो अभी स्वीकृत हुए हैं उनका शिलान्यास किया गया है। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम इकबाल की रिपोर्ट।